ये भगवान है वो गलत है। जैसा मैंने कल आपने तकलीफ सुनी मेरी, कल सवाल जवाब में थे आप? नहीं सर। आप वेद जब पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। तो लिखा है यजुर्वेद में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान उस खुदा का कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो ये आप इस बात को मानते क्या नहीं पूछता हूं मैं? यस सर। आप मानते कि भगवान का कोई स्ट्रक्चर, कोई स्टैचू नहीं? Yes, तो आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है क्या? सही है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दैट सर इट इज रॉन्ग। गलत है बेशक। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद, जब पढ़े आपने 6 महीने से, उसके बाद आप ये यकीन करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? यस सर, प्रॉफिट। आप मानते? यस सर। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? यस सर। तो आप मानते खुदा है के? आप मानते मूर्ति पूजा गलत है और आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? यस सर। आप मानते? तो ये जो शर्त है, ये 2 शर्त के मानना अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई मामूद नहीं, और ये मानना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, ये बुनियादी बात है इस्लाम में। इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी बात है। अगर आप इसको मान ले तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते, बाद में नमाज, ज़कात, फिर जो चैरिटी देना, रोज़ा, वो सब बाद में, लेकिन अगर ये 2 चीज़ को आप मानते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। जैसे स्कूल में आप दाखिला लेते, हाँ सर, बेसिक बेसिक, हाँ बेसिक पढ़ते, बाद में फिर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आगे बढ़ते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये शर्त है कि आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई मामूद नहीं है, और आप ये मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो ये अगर आप 2 चीज़ मानते हैं तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते। यस सर। तो आप चाहते इस्लाम में दाखिल होना? यस सर, ऑलरेडी हो चुका हूँ सर। हो चुके माशाल्लाह। चाहते क्या कलमा पढ़े सर? आप चाहते क्या कलमा पढ़े सर? यस। आप चाहते कलमा पढ़े? क्योंकि जो मैंने कहा उर्दू में कहा, अगर अरबी में कहेंगे तो इसे कलमा कहता हूँ, तर्जुमा भी करूंगा सर। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम चलेगा। प्रोनाउंसिएशन में तर्जुमा मीन समझ गया काफी है, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ करेगा, तर्जुमे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मेन दिल में ईमान है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है। यस सर। मेन चीज है, बाद में इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। लेकिन आपको मुसलमान बनने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है क्या? आप दिल से बनना चाहते? नहीं सर, ऐसा तो बात नहीं है। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कुरान टोटली, मतलब आई सर ऐसे ना पूरा हदीस मैं कंप्लीट कर लूं। पूरी हदीस तो मैंने भी कंप्लीट नहीं किया, हदीस बहुत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नो सर। आप अपने दिल से करना चाहते? यस सर। आप पे कोई भी दबाव नहीं, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं सर? ऐसा कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है ना? नो नो सर, ऐसा कुछ। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ के अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके, और मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में। और इंशाल्लाह मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। आप सूरह बकरा पढ़ लीजिए, अभी आगे सूरह इमरान और सूरह निसा 3, 4, 5 जूस पढ़ते जाइए। इंशाल्लाह जो समझ में आता है वो समझिए। अगर कोई मुश्किलात पेश आते आप पूछ सकते। वही सर, मेरे को बहुत हेल्प कर रहा है सर, इसलिए उसके लिए मैं सक्सेस हुआ हूँ, उतना तक गया हूँ सर। बकायदा कल करके सर नेक्स्ट कुरान मतलब नेक्स्ट हदीस स्टार्ट किया हूँ सर रिसेंटली। नेक्स्ट जूस आपकी हदीस ने जूस, हाँ आपको कहना चाहिए जूस, आपने बाय मिस्टेक आपके मुँह से हदीस निकला। जूस या पारा, पारा बोलते हमारे हिंदुस्तान में, पारा बोलते अरब जबान में, जूस बोलते।
तो 2-2.5 पारे मुकम्मल हो चुके हैं माशाल्लाह। आस्ते आस्ते इंशाल्लाह आप अगर पढ़ेंगे, जितना समझ में आता है समझ लीजिए, आगे पढ़िए, फिर वापस से शुरू कर सकते हैं आप। और कुछ भी आपको अगर और कुछ सवाल आते हैं तो इंशाल्लाह आप ईमेल से पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है zakir@irf.net। सर मैंने आपको